हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हर घर में बनने वाला, सबका पसंदीदा, बच्चों और बड़ों का फेवरेट गाजर का हलवा। तो विंटर स्पेशल आज आपको बताते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 2.5 किलो गाजरें हैं और इनको मैंने अच्छा सा धो के छील के और कद्दूकश कर लिया हुआ है। ये 2.5 किलो है, ये मैंने कद्दूकश करके यहाँ पे रख ली हुई है। और इसके अंदर जाएगी ये 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी है, 1 किलो खोया है। ये खोया हमारा घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये 1/4 कप देसी घी है, ये भूनने के लिए इसको इस्तेमाल होगा। या अगर ग्राम में मैयर करें तो 50 ग्राम देसी घी है। पिस्ता और बादाम है 20-20 ग्राम, गार्निशिंग में जाएंगे। और 5 से 7 दाने इलायची के हैं, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया हुआ है, ये साबुत भी नहीं है और पाउडर भी नहीं है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये गाजरें मैंने पतीले में शामिल कर दी हैं और इसको मैंने जो है वो इसका फ्लेम नीचे ऑन कर दिया है, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। आपने गाजर का हलवा बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने वुडन स्पून यूज़ करना है और ये गाजर का जो हलवा है ये बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम पे बनता है। कंप्लीट ये हलवा बनने तक इसका जो फ्लेम है आप हाई नहीं करेंगे, इसको आप लो फ्लेम पे इस तरह कवर करके छोड़ दें। इतनी देर इसको हल्के से लो से फ्लेम पे इसको रखें कि ये गाजरें अपना पानी छोड़ दें और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएं और अपने ही पानी में ये गल जाएं। तो ये मैं इसको यहाँ पे अच्छा सा, ये देखें ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी, इसको मैंने एक दफ़ा बस आप चम्मच चलाते रहें कभी कभी बीच में, ताकि ये गाजरें नीचे से चिपके नहीं। और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीमी सी आंच पे, जिस तरह चावलों को दम लगाते हैं उतने फ्लेम पे आपने इसको ऐसे कवर करके छोड़ देना है। और मैं अब ये आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये गाजरें अपना अच्छा सा पानी छोड़ देंगी और उसी पानी में इन गाजरों को मैं गला लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको यहाँ पे पकते हुए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 15 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है, बीच बीच में से मैं इसको चलाती रही हूँ। ये देखें, इसने गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं और इन्होंने कितना पानी छोड़ दिया है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें ये देखें। तो इसी तरह है ये जो लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और इनका फिर पानी खुश्क हो जाएगा खुद ही, और इसी पानी में ये गाजरें अच्छी सी गल भी जाएंगी। अगर फ्लेम हाई पे हम इसको पकाते तो बजाय गाजरें सॉफ्ट होने के अकड़ जाती और धागे धागे से बन जाते, तो इसलिए इनको ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह चलाते हुए इसको कवर करके दम वाली फ्लेम पे इसको पकाएं। जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा, इसी तरह ये पकती रहेंगी, जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा गाजरें मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। आपने कभी भी हलवा जो है गाजर का वो जल्दबाजी में नहीं बनाना होता, बहुत सुकून और तसल्ली से और लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना होता है। इसी तरह ये पकता जाएगा और दम में ये गाजरें अच्छी से गल जाएंगी और फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको गाजरों को पकते हुए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आधा घंटा हो गया है, तो इसको मैंने कवर करके पकाया और इसका पानी भी अब ड्राई हो गया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और गल गई है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और चीनी भी एकदम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे। 3 हिस्सों में ये थोड़ी सी चीनी हमने शामिल कर दी है। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, जब ये चीनी घुल जाएगी इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर दूसरी बार शामिल करेंगे, इसी तरह फिर तीसरी बार शामिल करेंगे। एकदम से सारी चीनी आपने नहीं शामिल कर देनी, क्योंकि फिर इससे भी जो है ना वो ये लेवी सी बन जाती है, गाजरें सही नहीं रहती, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी हम शामिल करते हैं। इसका ये अभी एक मैंने एक दफ़ा शामिल कर दी है, ये जब ड्राई हो जाएगी पानी इसका ड्राई हो जाएगा, चीनी इसमें घुल जाएगी, फिर दूसरी बार शामिल करूँगी। एक बार चीनी का पानी ड्राई हो गया, अब थोड़ी सी और शामिल कर देंगे। इसको भी इसी तरह अच्छी तरह पकाएंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे गाजरों के अंदर, ये अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी चीनी, इसका भी पानी ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम ये जो बाकी रहती है ये भी शामिल कर देंगे। ये बाकी की जो चीनी है ये भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे।
इसको भी अच्छा सा चीनी को घुलने घुलने तक, इसका पानी ड्राई होने तक इसको भूनेंगे। जब ये चीनी का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर घी और इलायची डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये चीनी का पानी यहाँ पे जो है वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर घी और इलायची शामिल करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें खोया शामिल करेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसमें इसके अंदर। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे घी, जो कि हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम यहाँ पे करते हैं ऑन और इसके अंदर इसको अच्छा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर इलायची को हम लाल करके तो ये घी सारा जो गाजर के हलवे में शामिल कर देंगे। ये घी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ये दरदरी सी जो इलायची है वो शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा लाल करके ये सारा घी और इलायची हम गाजर के हलवे में शामिल कर देंगे और फिर हलवे को अच्छा सा भून लेंगे। इसको बहुत अच्छा सा भूनना है, जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही ये मज़े का बनेगा। इसको अच्छा सा, ये एक किस्म का इलायची का तड़का तैयार हो गया। देसी घी के अंदर इलायची की खुशबू सारी इसके अंदर चली गई है, ये सारा बहुत अच्छा अरोमा और फ्लेवर जो निकल के वो हलवे के अंदर आएगा। यहाँ पे फ्लेम करते हैं हम ऑफ और ये सारा इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब हम इस घी के अंदर इस हलवे को भून लेंगे बहुत अच्छा सा। इतना भूनना है कि ये बिल्कुल जो है वो अच्छा सा भून जाए, घी अलग नज़र आने लगे और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए। कम से कम इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे भूनने में। बस ये इसकी इसको फ्लेम इसका आपने हाई नहीं करना, फ्लेम इसका मीडियम ही रखना है, लेकिन इसको भूनना है बहुत अच्छा सा। भूनने के बाद हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पे हलवा हमारा अच्छा सा भून चुका है, घी अलग नज़र आने लगा है। ये देखें, ये सारा घी इसके अंदर से अलग नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे इसका फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम खोया। फुल गर्म के अंदर खोया नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसकी हीट और भाप निकल जाए तो फिर इसके अंदर ये खोया शामिल करेंगे। ये खोया जो है ये यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकश करके रख लिया है, तो इसको फिर इसके अंदर खोया शामिल करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसके अंदर खोया मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम सारा खोया मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे खोया जो हम इसके ऊपर हलवे के ऊपर इसको डिश आउट करके इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे, बाकी जो खोया है वो इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर देंगे। चले मैं मिक्स करके तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही मज़े का हमारा जो है वो गाजर का हलवा बनके रेडी है। इसके ऊपर मैंने पिस्ता और बादाम जो हैं वो स्प्रिंकल कर दिए हैं, साथ में मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं। तो आप भी मेरी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए परफेक्ट इंग्रेडिएंट के साथ आप भी बनाए, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बहुत मज़े का गाजर का हलवा आप भी बना सकती हैं। ठीक है, तो मेरी अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।